The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to gurdwara. That's what the fight is about. Congress सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना ही होगा, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हुए। उनके खिलाफ जमकर बवाल हो रहा है उनका पुतला भी फूका जा रहा है अब इस कहानी में नया टर्न आ गया है क्योंकि विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था अब उसके तूल पकड़ने के बाद वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि उनके ताजा ट्वीट से ही नजर आ रहा है क्योंकि इतना हंगामा होने के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सामने रखी लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई क्यों करने लगते हैं अपने बयान की वजह से बैकफुट पर राहुल गांधी एफआईआर विरोध के बाद राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमला कर रही है बीते दिनों ही पार्टी और सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली में राहुल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था वहीं अब इस मामले पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी अमेरिका उनकी टिप्पणी को लेकर देश भर में झूठ फैला रही है उन्होंने सवाल किया है कि मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनाना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है नेता विपक्ष ने कहा कि बीजेपी उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती राहुल गांधी ने आगे कहा कि पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलते रहेंगे जो भारत को परिभाषित करते हैं विविधता में हमारी एकता समानता और प्रेम दरअसल अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं उन्हें कहा था कि देश में ये चिंता सिर्फ सिख समुदाय को ही नहीं बल्कि अन्य सभी धर्म के लोगों को है राहुल ने कहा था कि देश सबका है लेकिन बीजेपी को यह बात समझ नहीं आती कि देश सबका है इसके अलावा राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण सहित आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने बयान का एक छोटा क्लिप भी साझा किया जिसमें वे एक सिख व्यक्ति का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी ये टिप्पणी भाजपा द्वारा कई सिख समुदायों को संयुक्त बयान का हवाला देते हुए उनसे अपना बयान वापस लेने के लिए कहने के बाद सामने आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस बयान ने देश में भय का माहौल पैदा कर दिया है वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर सिखों का अपमान करने का आरोप लगा रही है केंद्रीय मंत्री सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया जिस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ और वैसे भी किसी को इस तरह से आतंकवादी कह देना और वो भी एक चुने हुए सांसद को ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए इस भाषण पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गांधी पर हमला बोलते हुए जो कहा पहले वो सुनिए राहुल गांधी की ये टिप्पणी भयावह है वो भारत में सिखों के साथ व्यवहार के बारे में राहुल गांधी उन लोगों के सामने बोलते हुए झूठी कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे थे जो मेरे समुदाय से है और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अमेरिका में आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं उनका देश भारत से ज्यादा संबंध नहीं है वो जो कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे भारत के सामाजिक ताने बाने को खतरा पहुंच सकता है ये बहुत ही खतरनाक है इतना ही नहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कि दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा की सिख समुदाय को न केवल अनुमति दी जाती है बल्कि उनकी धार्मिक प्रथाओं के लिए उनका सम्मान भी किया जाता है पूरा देश हमारी संस्कृति की रक्षा में सिखो द्वारा निभाई गई महान भूमिका को पहचानता है और उसका सम्मान भी करता है लेकिन राहुल गांधी के बयान की वजह से काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला है बीजेपी ने किया जबरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अमेरिका में सिख धर्म के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का घंटा घर स्थित शहीद स्थल पर पुतला विरोध किया गया इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस द्वारा वर्ष 1984 में दिए गए जख्मों को नहीं भूलने की बात कही भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर संयोजक सरदार बलप्रीत सिंह नेत्रो में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग घंटाघर के शहीद स्थल पर इकट्ठा हुए महानगर संयोजक सरदार बलप्रीत सिंह ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में सिख धर्म के खिलाफ गलत बयान दिया था इस बयान से सिख धर्म काफी आहत हुए हैं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं की तरफ से बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है ये मामला उनके हालिया अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए आरक्षण संबंधी बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी समानता स्थापित होने के बाद आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने पर विचार करेगी इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया है विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायण स्वामी और भाजपा कानूनी समिति के समन्वयक वसंत कुमार समेत कई नेताओं ने उनके बयान की निंदा की और एफआईआर दर्ज करवाई भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान न केवल आरक्षण के खिलाफ है बल्कि ये समाज में विभाजन पैदा करने वाला भी है भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की जिसे समाज में वैमनस से बढ़ सकता है इसके साथ ही राहुल गांधी की हम आरक्षण हटा देंगे टिप्पणी को लेकर भाजपा ने उन्हें विराजनकारी और उत्तेजक बयानबाजी का दोषी ठहराया है आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में समानता स्थापित होने के बाद कांग्रेस पार्टी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के बारे में सोचेगी हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा की मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया जैसे की मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ उन्होंने स्पष्ट किया की हम आरक्षण की सीमा को पचास प्रतिशत से अधिक बढ़ाने जा रहे हैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्नीस सितंबर 2024 को राहुल गांधी की हाल ही की अमेरिकी यात्रा के दौरान आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पंजाबी बाग तिलक नगर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई थी इसके अलावा एक शिकायत बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी दर्ज कराई है और इतना ही नहीं वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय की भावना आहत करने देश की एकता को खतरे में डालने और आरक्षण के मुद्दे पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है मिले जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी पर यह एफ भारतीय जनता पार्टी नेता ने दर्ज करवाई है राहुल गांधी के तरफ से दिए गए बयान का जमकर विरोध हो रहा है इसकी वजह से कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज कराई गई है सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है वाराणसी में भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी ने सिगरा थाने में तहरीर दी इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान से सिख समुदाय में नाराजगी जताई जा रही है इस मामले में बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया जिससे सभी धर्मों के लोग काफी आहत हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से इन बयानों को लेकर सफाई देते हुए बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया गया है जिसके बाद ये सियासी मुद्दा और भी ज्यादा हॉट बन गया है स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार